आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे सुबह के खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। जी हाँ, सकारात्मक खबर में आज मुद्दा जुड़ा है भाजपा सांसद हेमा मालिनी से, जो कि एक अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की और उनको ड्रीम गर्ल कहा जाता है हिंदी सिनेमा का। उन्होंने जिस तरह से बतौर सांसद खुद को पहली बार में एक परिपक्व राजनेता के तौर पर साबित किया है, वो काफ़ी है उनको मथुरा से टिकट देने के लिए। लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी में टिकट को लेकर हर बार की तरह जो एक वहाँ पर लड़ाई देखी जा रही है, और इसी बीच हेमा मालिनी का ये बयान कि मैं मथुरा से चुनाव लड़ूंगी वरना कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगी मैं, और ऐसे में उनका ये भी कहना है कि मुझे ग्रीन सिग्नल मथुरा से दिया गया है और मैं मथुरा से ही चुनाव लड़ूंगी, मुझे खुद बीजेपी आलाकमान ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। अब ऐसे में जिस तरह से हेमा मालिनी पूरी तरह सकारात्मक तौर तरीके से लबरेज नज़र आ रही हैं, उनका ये साफ साफ कहना है कि उन्होंने बहुत काम किया है मथुरा वासियों के लिए। उन्होंने अपने कामों की काम भी गिनाए मीडियाकर्मियों के सामने कि मैंने ये काम किया है, मैंने जितने भी गाँव गोद लिए हैं मैंने वहाँ पर विकास कार्य किया है, मैंने पदाधिकारियों से मुलाकात की है, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि काम विकास के कार्यों में तेजी लाई जाए। इसके अलावा उन्होंने रेल की बात की है, ट्रेन की बात की है कि मथुरा से लखनऊ के लिए एक ट्रेन चलाई जाए जिससे लखनऊ के साथ साथ मथुरा में रहने वाले लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी। यानी कि बहुत सी बातें हैं, लेकिन हाँ, अगर हेमा मालिनी की अगर सकारात्मक एक छवि को देखा जाए, अगर सब कुछ, क्योंकि हर नेता के साथ कुछ नकारात्मक तथ्य भी जुड़े होते हैं, कुछ सकारात्मक तथ्य भी जुड़े होते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हेमा मालिनी के लिए सकारात्मक पक्ष की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है वो जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं वो एक बेहतरीन नायिका हैं, वो बेहतरीन एक डांसर हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया, वहाँ से पहली बार में उन्होंने अपना सियासी आगाज़ करके खुद को एक सफल एक श्रेणी में खड़ा किया, खुद को बतौर सांसद उन्होंने खुद को एक प्रूफ करने की कोशिश की मथुरा लोकसभा सीट से। वो कहीं ना कहीं साबित कर रहा था कि अगर उन्हें कोई भी जिम्मा दिया जाएगा तो वो उसको निभाने के लिए बिल्कुल तरीके से तैयार हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सियासत में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो हैं, बॉलीवुड के जाने माने चेहरे, उन्होंने सियासत को ज्वाइन तो किया, सियासत पर नज़र दिया है, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे सियासत का दामन छोड़ना ही मुनासिब समझा। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो बिग बी अमिताभ बच्चन हैं, जिन्होंने एक वक्त कांग्रेस के लिए सियासत की थी, लेकिन फिर उन्होंने जैसे उन्होंने लगा कि सियासत उनको ज़्यादा उनकी छवि को धूमिल कर रही है तो उन्होंने सियासत से अपने पैर पीछे खींच लिए थे। लेकिन हेमा मालिनी हैं, ऐसे में विनोद खन्ना जो कि अभी दुनिया में नहीं रहे, इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बीजेपी के सांसद हैं पटना साहिब से, और भी जो कई ऐसे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, ईशा कोप्पिकर जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है वो भी कहीं ना कहीं इस बार शायद चुनाव लड़ सकती हैं ऐसा कहा जा रहा है, तो बहुत से ऐसे कई चेहरे नज़र आए हैं बॉलीवुड के जिन्होंने सियासत का दामन थामा है, चाहे वो राज बब्बर हों जो कि कांग्रेस में हैं, और बीजेपी में भी कई लोग नज़र आते हैं। तो ऐसे में आप बहुत से सवाल होते हैं कि क्या जिस तरह से उनका हिंदी सिनेमा में बॉलीवुड में जो वो बड़े पर्दे पर जो एक्टिंग करते हैं, जो अदायगी करते हैं, उसमें तो वो जनता को रिझाले जाते हैं, लेकिन जब वो ज़मीनी धरातल पर आते हैं, जब सियासत की डगर पकड़ते हैं, तो क्या वो खुद को राजनेता के तौर पर साबित कर पाते हैं? क्योंकि आप खुद समझ, एक्टिंग की शैली अलग है, एक्टिंग को समझने की शैली अलग है, एक्टिंग करने की शैली अलग है, लेकिन राजनीति में खुद को ढालने की शैली अलग है। दोनों अलग अलग एक ध्रुव हैं जिन पर काम करना होता है। हेमा मालिनी ने जिस तरह से 2014 में मथुरा सीट जीती और उसके बाद खुद को एक राजनेता के तौर पर ढालने की कोशिश की, और शायद वो ढालने की कोशिश ही है कि वो एकदम पर कह रही हैं कि मैं मथुरा से ही चुनाव लड़ूंगी और कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे मथुरा की जनता मथुरा की जनता मुझे वोट देगी और मैं जीत कर दिखाऊंगी, मैंने यहाँ पर बहुत विकास काम किए हैं, उन विकास कार्यों के दम पर मैं वोट पाऊंगी, और मैंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की है, मैंने जनता से संवाद किया है, बहुत से उन्होंने बातें कही हैं जो कि कहीं ना कहीं उनकी सकारात्मक पक्ष को दर्शा रहा है कि भले ही बीजेपी के खिलाफ कितना भी माहौल क्यों ना हो राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं खुद को एक सकारात्मक तौर पर साबित करना चाहती हैं कि मैं से चुनाव लड़कर फिर से ये सीट जो है बीजेपी के खाते में दर्ज करूंगी, और मैं साबित करूंगी कि मैं बतौर अभिनेत्री ही नहीं, एक बतौर राजनेता भी एक बेहतरीन काम कर सकती हूँ, एक बेहतरीन सियासी नेता के तौर पर काम कर सकती हूँ, जनता की नब्ज को समझ सकती हूँ, विकास कार्य क्या होते हैं, कैसे कराए जाते हैं, वो सब समझ सकती हूँ। यानी कि कुल मिलाकर ये उनके लिए एक सकारात्मक है, ये उनकी सकारात्मक सोच है कि चाहे जितना भी आपके खिलाफ नकारात्मक पक्ष बना हो, चाहे आपके खिलाफ कितनी भी निगेटिविटी हो, लेकिन ये आपकी पॉजिटिविटी है कि आप एक सकारात्मक सोच रखकर, एक अच्छी सोच रखकर एक बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बहुत मुकाबला इस बार मथुरा लोकसभा सीट पर दिलचस्प है, क्योंकि 2014 और 2019 के सियासी समीकरण में बहुत अंतर आ चुका है। खुद बीजेपी के आलाकमान अमित शाह भी
इस बात को आपको भी समझ रहे होंगे कि इस बार एसपी बीएसपी का गठबंधन आरएलडी का उनके साथ जाना, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग, बहुत से जो ऐसे मानक तैयार किए जा रहे हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। तो ऐसे में अपनी अपनी सीट को सांसद अगर बचा पाते हैं तो वो भी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिणाम ला सकता है। तो दर्शकों, आज सकारात्मक खबर में बस इतना ही, होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।